अब स्टूडेंट ने ये फॉर्मूले याद तो किए होते हैं बट वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से क्या अच्छा लगता है। अब ये समझ में नहीं आता है कि मैंने 1200 का 80/100 करना है या फिर 1200 का 100/80 करना है। आज की इस वीडियो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का एक बड़ा सा सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। इस कंसेप्ट में मोस्टली स्टूडेंट को डाउट ही रहता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो फॉर्मूले जो होते हैं इनमें से लगाना कौन सा है क्वेश्चन के अंदर। जैसे इस क्वेश्चन में आपको देखो क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 1200 दिया हुआ है विद लॉस ऑफ 20%, 20% लॉस पर उसको बेचा है, फाइंड कॉस्ट प्राइस CP, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब क्या होता है कि मेरे को पता है किसी चीज़ को मैंने अगर 20% लॉस पे दिया है, 20% उसकी वैल्यू कम करके दिया है। अब कम करके दिया है इट मीन्स 20% कम मतलब 80% का दिया होगा उसको। अगर तो 20% प्रॉफिट पे दिया है तो मतलब वैल्यू बढ़ा के दिया होगा तो फिर 120% बन जाता है वो। यहाँ पे मैंने 20% लॉस का दिया है मीन्स 80% का उसको दिया है। अब ये समझ में नहीं आता है कि मैंने 1200 का 80/100 करना है या फिर 1200 का 100/80 करना है। अब स्टूडेंट ने ये फॉर्मूले याद तो किए होते हैं बट वहाँ जाके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इन दोनों में से कौन सा लगना है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे इस वीडियो के अंदर। कैसे दूर करना है, आप सिंपल सी चीज़ माइंड में रखो, कॉस्ट प्राइस मतलब सी, सेलिंग प्राइस मतलब एस। अब अल्फाबेटिकली अगर हम चलते हैं तो सी पहले आता है फिर एस आता है, तो अगर मेरे को सी दिया हुआ है मैंने एस निकालना है इट मीन्स मेरे को आगे की तरफ जाना है, तो आगे जाऊंगा तो सीधा जाऊंगा। लेकिन जब आपको एस दिया हुआ है और सी निकालना है इट मीन्स मेरे को पीछे की तरफ जाना है, पीछे आप मान के चलो उल्टा, तो उल्टा का मतलब फिर आपने फ्रैक्शन भी क्या कर देनी है, उल्टा कर देनी है। यहाँ पे देखो आपको दिया क्या हुआ है, एस सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, निकालना क्या है सी, एस गिवन है सी निकालना है, तो मेरे को मतलब उल्टा जाना है, तो उल्टा जाना तो फ्रैक्शन क्या कर देनी है आपने, फिर उस केस में उल्टा कर देनी है। यहाँ से जो आप सॉल्व करके निकालोगे 4243 जो भी वैल्यू आपकी आती है, ठीक है, 1500 ये आपका आंसर हो जाएगा, 1500। गॉट इट, क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो कि सी से एस मतलब आगे, फ्रैक्शन सीधी, एस से सी मतलब पीछे, फ्रैक्शन उल्टी। ओके, गॉट इट, आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।